ज्यादा मजा आया। वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आपको पता है वैलेंटाइन्स डे अभी पास में है, बहुत सारे कपल्स घूमने जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं। हम उनमें से नहीं है, हम लोग घर पे बैठे रहते हैं उस टाइम पे। तो आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं जिसमें हम खाने वाले ओनली हार्ट शेप फूड, से बोलते हैं दिल फूड चैलेंज भी बोल सकते हैं। तो हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं जो दिन के 12:30 बजे तक ही ओपन रहता है, इसलिए सुबह से ही रेडी होके जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए। एंड जब वो लोकेशन पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग सबसे पहले क्या खाने वाले हैं। गाइस ये वाली जो स्पेशल वन सिगरी डोसा है ना, हमें इधर जाना, बहुत ज्यादा भीड़ है, बाप रे बहुत ज्यादा भीड़ है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आई गेस वेटिंग तो बहुत ज्यादा ही रहेगी, लेकिन यही लोकेशन पे वो चीज मिलती है, तो लेट्स गो एंड ऑर्डर इट। गाइज आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हमारा डोसा रेडी है। ये दिलखुश डोसा है जो आपको दिख रहा है, हार्ट शेप का है, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है यार। इसका प्राइस है 130 रुपीज, इनके प्राइसेस 50 रुपीज से शुरू होते हैं, लाइक मसाला डोसा 50 रुपीज का है। तो अभी से टेस्ट करके देखते हैं इसकी फीलिंग, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि सिर्फ इसका नाम था दिलखुश डोसा। इसे टेस्ट करते हैं, इसके साथ आपको मिलेगी चटनी दो टाइप की, बहुत टेस्टी है। पहली बाइट में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा यम्मी है। फीलिंग पाव भाजी जैसी टेस्ट करी, हाँ थोड़ा पाव भाजी था, इसमें बीट रूट था, कैप्सिकम था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। 130 रुपीज का है, विच आई रियली लाइक, पेट भर के आराम से दो लोग तो खा ही सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा डोसा आता है। हमने थोड़ा सा रख भी लिया कि मम्मी भी थोड़ा टेस्ट कर ले। अब तो डेफिनेटली हम लोग इधर आएंगे, हम लोग ने 30 मिनट्स से तक शायद से वेट किया है। आई थिंक सो संडे को ज्यादा भीड़ रहती है नॉर्मल डेज के हिसाब से, लेकिन जब भी मैं इधर से गई हूँ ये मतलब हमेशा भीड़ ही रहती है। तो ये सुबह 8 से 12:30 बजे तक ही ओपन रहता है, लाइक सुबह के टाइम पे, शाम में नहीं खुला रहेगा। अगर आपको विजिट करना तो आप कर सकते हो। सिगड़ी डोसा है और ये शायद से वीसी ग्राउंड के पास ही आता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप गूगल पे सर्च करोगे ना आपको यहाँ की लोकेशन अच्छे से पता चल जाएगी। आज का वेदर थोड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं आया है। और 11 बज गए, मतलब हम लोग 10 बजे निकले थे, 15 मिनट में हम लोग पहुंचे हुए लोकेशन पे एंड उसके बाद हमने वेट किया और 5 मिनट में हमारा खाना हो गया था। तो अभी हम आए हैं हमारे सेकेंड लोकेशन पे, वो है कृष्णम फूड प्लाजा, जो यहाँ से दिख नहीं रहा है, पापा गए हैं अंदर। वहां से एक हार्ट शेप की चीज हमने देखी थी जो है वेज कटलेट, देखते हैं वो हार्ट शेप के आएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इमेज तो वैसी ही लगाई है, लेट्स सी। पापू वेटिंग फॉर सम कटलेट्स। अरे ये पिंक और रेड शर्ट वाले नहीं है, मेरे पापा बीच में है। हम वीडियो ले रहे थे, ये दिख रहा है ना आपको सामने, ये रहे हमारे कटलेट्स। देखते हैं इसे ओपन करके कि हार्ट शेप के आए हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने इमेज तो डाल के रखी थी भाई, और अगर नहीं हुआ तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये देखो हार्ट शेप के कटलेट्स है और इसमें 4 पीसेस है टोटल, तो आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। एंड ये चैलेंज बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतनी सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आई एम रियली हैप्पी विद दिस। कृष्णा फूड प्लाजा के लाइक आउटलेट्स बहुत जगह पे है, हम लोग सदर वाले आउटलेट पे आए थे, तो आपको 4 पीस कटलेट आपको 121 रुपीज के मिलेंगे, जो काफी लाइक मुझे लग रहा है ठीक रेट के, क्योंकि 4 पीस है उसमें। एंड इसे टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें भी मुझे बीट रूट वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा है और गर्म गर्म है, तो इसे टेस्ट करना तो बनता ही है। और अच्छा टेस्ट करा, तो अभी बारी है हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए, और ये लोकेशन पे हमें और दो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तो पहले उनको पिक करते हैं एंड आपको पता ही चल जाएगा कौन हमें ज्वाइन कर रहा है इस वीडियो के लिए, एंड फिर वो लोकेशन पे जाते हैं। हाय तो बोल दो। हम आ गए हैं अभी डोमिनोज, और डोमिनोज का लव लोडेड रेंज है, लिमिटेड एडिशन। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार्ट शेप पिज्जा है, और यहाँ पे चॉकोलावा भी दिख रहा है जो हार्ट शेप का है। जी पैराडाइज है ना, मैं गलती से इसको परदेसी बोल रही हूं। गाइस अभी ऑर्डर जाने में देने में और आ रिया जाने, ये लोग ये वाला करने वाले हैं लोडेड वेजी फार्म हाउस पे। चलो अभी हम लोग चलते हैं गाइस। एक्सक्यूज मी ऑर्डर लोडेड वेजी फार्म हाउस पिज्जा और लोडेड चोकोलावा केक।
गया, आगे का काम हमारे असिस्टेंट राशि और आर्या जी करने वाले हैं। गाइस चलो अभी हेड बॉस से मिलाता हूँ हमारे। गलती कर दी शायद, सामने वीडियो बनाया और वीडियो अलाउड नहीं है। गाइस ये है हार्ट शेप्ड पिज्जा, बहुत ज़्यादा बहुत क्यूट शेप है इसका यार। हार्ट शेप चोकोलावा की, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। इन्होंने लेकिन धोखा किया है, पिज्जा बहुत ज्यादा छोटा हो गया, नॉर्मल साइज से भी छोटा है। बिग वन चीयर्स। ये तोड़ दिया मैंने। गाइस तो डोमिनोज में आना एक सक्सेस रहा, यहाँ पे हमें हार्ट शेप का पिज्जा भी मिला। और तुम लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। ठीक है अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। गाइस हमें एक ही चीज मिली थी ओब्रामा से, एक पैलमियर कुछ ऐसा नाम है, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आया। ओपन करके देखते हैं, हमें सिर्फ सामने का दिखा कि वो हार्ट शेप का है, बाकी नहीं। हमने उनसे पूछा भी, युगु ने बता दिया कि हम एक चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला उनके पास सिर्फ यही है, तो हमने ये परचेज कर लिया। इसे है बटर पैलमियर्स फ्रॉम थियोब्रामा, तो आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप के, देखना हार्ट शेप टेस्ट करके देख, दिख रहा है ये हार्ट शेप का है। इट्स लाइक अ खारी, थोड़ा सा ऊपर से शुगर का वो ऐसे स्प्रिंकल दिया है। ये 100 रुपीज के 3 पैलमियर्स पड़े, बहुत अच्छा है। गाइस यहाँ पे हार्ट शेप का तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन वैलेंटाइन स्पेशल के 2 आइटम्स थे, तो हमने सोचा मंगवा लेते हैं, क्योंकि आरू और युगो का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना, तो हमने बोला ये लोग भी टेस्ट कर लेंगे। तो अभी ऑर्डर दे दिया है, एंड जब वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ हमें हार्ट शेप का दिखा, लेकिन सिर्फ ऊपर का, ये वैलेंटाइन ब्लॉसम है, ये ही खा सकते सब। हाँ सिर्फ मैं वही खा सकती हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार ये। अच्छा इसके अंदर जो दिख रहा है ना पिंक कलर का, वो दूध नहीं, वो मोहब्बत का शरबत। अरे तेरे बाप। कैसा लगा टेस्ट? चिंदो लगा चीज़ों बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये हार्ट शेप नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट करके दिखा सकती हूँ। अच्छा है उसमें वो मोहब्बत का शरबत जो बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। केक तो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे हिस्से का बस ये देरी है, यही खाना पड़ेगा। पहले केक खा रही है, फिर बोलती है यही मेरे हिस्से का है। पहले इन्होंने दिल खाई, मतलब पहले केक खाई तुमने, आप भी गाइस देखे, फिर बोलती है मैं बस यही खा सकती हूँ, खाने के बाद बोलती हूँ मैं बस यही खा सकती हूँ। गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, हमने आरू और युगु को घर पे छोड़ दिया था, उनको काफी ज्यादा मजा आया, मतलब हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा, सब लोग ने एंजॉय किया। ये हार्ट शेप चैलेंज भी काफी अच्छा रहा, बस एक चीज बाकी रह गई है जो खाने की है, वो है ये लिटिल हार्ट, जो आपको पता है कि ये हार्ट शेप के होते हैं, और अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया। सो जैसे पैलमियर्स रहते थे ना, ये छोटे फॉर्म में है, लेकिन दिस इज अ बिस्किट, पैलमियर अलग रहता है, वो पेस्ट्री रहती है, एंड दिस इज अ बिस्किट, तो ये मैं एंजॉय करती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा तो दिन काफी अच्छा गया। मैं ऐसे ही चैलेंजेस और लेके आऊंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो अगर आपको दूसरों के साथ शेयर भी करना है तो आप कर सकते हो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, बाय।